ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। जैसा कि आप सबको विदित है, कल जो है होली का पर्व है और होली पर नाना प्रकार के तंत्र जो हैं वो देखते ही देखते सिद्ध हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा मुहूर्त है जो कि किसी भी तंत्र को, किसी भी मंत्र को सिद्ध करने में कारगर है। मैंने ऐसा भी देखा है कि कई लोग जो हैं साल भर मंत्र करते रहते हैं लेकिन उनसे लगता नहीं है, लेकिन होली पर, दिवाली पर, यहाँ पर कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं जिसमें कि बड़े से बड़ा काम भी जो है वो बन जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा मोहिनी मंत्र जो कि एक बार किसी पर कर दिया तो उसको चारों तरफ बस आप ही दिखेंगे। बहुत ही बेहतरीन, इसको लगाने के बाद सामने वाला जो है वो अपनी सुधबुद्ध खो देता है और बस आप ही की माला जपता रहता है। ये इतना प्रभावी है कि पहले ही दिन से आपको असर दिखाना शुरू कर देगा। लगभग 15 साल पहले ये सारे यंत्र मंत्र तंत्र मैंने ट्राई किए थे और जिस पर ये लगाए गए हैं वहाँ वहाँ पर इसने अपना काम सटीक किया है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही कारगर एक ऐसी विधि जो कि आप आँख मूंद कर कर सकते हैं और अपना फल अवश्य लेकर आएगी। तो आपको करना क्या है कि अपने कल जो है, कल होली जलने से पहले पहले आपको कुछ पूर्व तैयारी करनी होगी। आप ऐसा कीजिएगा कि अपने आसपास में कोई नर्सरी हो, कोई गार्डन हो, तो वहाँ पर जो है आपको काला धतूरा ढूंढ लेना है। काला धतूरा ढूंढने के बाद आपको एक या दो उसके पुष्प जो हैं वो अर्जित कर लेने हैं। अर्जित करने के बाद उनको इस मंत्र से अभिमंत्रित करना है और मंत्र जो है 108 की संख्या में आपको जाप करना है। इस मंत्र से दोनों पुष्पों को अभिमंत्रित करके आपको होली जलने से पहले पहले ये क्रिया कर लेनी है और कहीं ऐसी जगह पर रख देना जहाँ पर कि वो सुरक्षित रहें जब तक होली जल ना जाए। और इसके बाद जो है ये पुष्प जो हैं ये मोहिनी का काम करेंगे। किसी पर भी लगा दिया जाए तो बस देखते ही देखते वो बस आप ही की माला जपेंगे और ये इतने सटीक हैं कि यदि एक बार किसी पर लगा दिया तो वो रात दिन बस आप ही की माला जपेंगे। लगभग ये 15 साल पहले जो है मेरा एक क्लाइंट था, वो मुझसे मिलने आया था तो मैंने उसे दिया था और यकीन मानिए अगले ही दिन उसको जो है इसका असर दिख गया था। जहाँ सालों से बातें बंद थी वहाँ पर जो है सामने वाला उनके प्यार में व्याकुल हो गया। और व्याकुल होना कुछ ऐसा नहीं है कि मैसेज कर दिया, टेक्स्ट कर दिया, मतलब बिना देखे वो रह नहीं पाए, ऐसे इस तरह का व्याकुल मैं कह रहा हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं, आपका कोई साथी है, कोई प्रेमी है जिसको कि आप अपनी ओर करना चाहते हैं, तो इस विधि को अवश्य अपनाएं। और ये जो है ये वो सब कर सकती है जो कि आप सोचते हैं। इस मंत्र का कभी भी किसी का अनिष्ट करने के लिए प्रयोग में ना लाएं, क्योंकि यदि ये आपका काम बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। तो कभी भी इसको किसी का अनिष्ट करने के लिए प्रयोग में ना लाएं। सात्विक रहें, मांस मदिरा से दूर रहें और जब तक ये साधना संपूर्ण ना हो जाए तब तक आपको बिल्कुल सात्विक रहना है। किसी भी तरह का मादक पदार्थ जो है वो ग्रहण नहीं करना है। बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, शराब, इन सबसे दूर रहिए और अपनी साधना में ध्यान लगाएं। जब तक ये फलित ना हो जाए तब तक आपको वेट करना है और ये सिर्फ एक दिन की साधना है। एक दिन में आपको ये रसायन बना लेनी है और फिर जब भी आपका साथी आपको दिखे आप जो है उसके सिर पे डाल दीजिएगा। तो आइए
मंत्र जान लेते हैं। मंत्र है ओम नमः विष्णु देवाय, ओम नमः मोहिनी रूपाय, ओम नमः काकिनी रूप शिव रूपाय, ओम नमः लक्ष्मी रूप देवी महामाया, एम कदली लक्ष्मी रूपाय, अमुकम वशीभूत कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र थोड़ा सा बड़ा है तो एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। ओम नमः विष्णु देवाय, ओम नमः मोहिनी रूपाय, जो मोहिनी रूप उन्होंने धारण किया था ये वही मंत्र है। ओम नमः काकणी रूप शिव रूपाय, ओम नमः लक्ष्मी रूप देवी महामाय, एम कदली लक्ष्मी रूपाय, अमुकम, अमुकम की जगह आपको अपने साथी का या फिर जो भी जिसको भी आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं उनका नाम लेना है। जो मेरे पुराने साधक हैं उनको पता है कि अमुक अमुकी किसे कहते हैं, जो अभी नए आए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि अमुकी और अमुक जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर साध्य का नाम लेना होता है। साध्य कहते हैं कोई भी आपका जिसको भी आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं वो। अमुकम वशीभूत कुरु कुरु स्वाहा। तो इस मंत्र को 108 की संख्या में काले धतूरे के फूल पर आपको जप लेना है। जपने के बाद इसको आपको होलिका की जो राख सुबह बचेगी उसमें मिलाकर इन दोनों फूलों को रख दीजिएगा और फिर आपको इससे नहाना है एक एक चुटकी रोज़ डालकर। और जब भी आपकी का साथी या आपकी प्रेमिका आपको दिखे तब उसके सिर पर एक चुटकी आपको डाल देनी है और उसके बाद देखिएगा किस तरह का जो है चमत्कार होगा। ये प्रकृति जो है ये आपके सुर में सुर मिलाएगी और वो सब होगा जिसकी कामना कभी किसी स्वप्न में आपने की होगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। जो रिजल्ट्स हैं वो आपकी भक्ति पर होगा, किस तरह की साधना आप कर रहे हैं, कितना इसमें आप अपना डिवोशन दिखाते हैं, कितनी आप इसमें साधना करते हैं। सिर्फ मेरी बातें सुन के अगर आप करेंगे तो ये कभी फलित नहीं होगा। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है आप ये कर सकते हैं और पूर्ण विश्वास के साथ कर सकते हैं तब इसको कीजिएगा, वरना कोई भी काम आसान नहीं होता। लेकिन जो जिज्ञासु जो साधक जो हैं वो देखना चाहते हैं तंत्र की शक्ति तो इसको अवश्य आजमाएं। बहुत ही सटीक लगने वाला तंत्र है जो कि होली की रात में ही सिद्ध होता है। यदि होली पे ना कर पाएँ तो दिवाली पे कर लीजिएगा। और दिवाली पर भी आपको अगर समय ना मिले तो कोई ऐसा नक्षत्र देखिएगा जब आप कर पाएँ, कोई भी ऐसा अच्छा हो, लेकिन अगर आपको 100% असर देखना है तो होली दिवाली पे इसको कीजिएगा, क्योंकि यही दो दिन हैं जिस दिन आपको सारे नक्षत्र बने बनाए मिल जाते हैं और बस आपको जो है ये साधना करनी होती है। साधना में जब आप बैठें तो अपने इष्ट देव का एक दिया लगाएं और उनको साक्षी मानकर उनकी जो तस्वीर है वो सामने रखें, मूर्ति सामने रखें और उनको साक्षी मानकर ये जो सारा प्रोसेस है ये आपको करना है। एक दिया जलाएं, उसकी लौ पर हाथ रखें और अग्नि देव से आज्ञा लें, उनको साक्षी मानें और फिर जो है अपनी साधना को शुरू करें। आपका जो मुख होगा वो होगा सूर्य की तरफ और आसन रहेगा लाल रंग का। तिलक अवश्य लगाएं, तिलक लगाने से आपके ऊपर किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा हावी नहीं हो पाएगी। और जब भी साधना में बैठे तो याद रहे कि आपके आसपास कोई ना हो। अभी कल परसों ही एक क्लाइंट आई थी तो उनके साथ 3-4 बंदे और आ गए। अब बताइए किस तरह से वो साधना सफल होगी, क्योंकि उनका ध्यान तो बार बार वहीं जा रहा है। तो कभी भी जब साधना करें तो एकांत में करें, किसी को दिखाने के लिए ना करें। ये साधनाएं तभी सफल होती हैं जब आप एकांत में इनको करते हैं और एकांत में ही जो है शक्तियाँ आती हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि 10 लोगों के बीच में बैठकर आप साधनाएं कर सकते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, इसको अकेले में कीजिएगा। और यदि कहीं पर भी कोई त्रुटि हुई हो, मंत्र थोड़ा बड़ा है, आपको समझ में ना आया हो तो कॉल कीजिएगा 999-284-1625 पर। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं info@mohiniwidya.com।
मोहिनी विद्या पर आपको वो सारे मंत्र तंत्र मिलेंगे जो कि सिद्ध हैं, शाबर हैं और अनुभूत अपने आप में अनुभूत हैं। बस एक बार उनको कर दीजिए तो आपके जो जितने भी बिगड़े हुए काम हैं वो बन नहीं बनने हैं, क्योंकि सारे मंत्र जो हैं वो टेस्टेड हैं, सारे टेस्ट करके उसके बाद ही सारे जो हैं मोहिनी विद्या पे डाले जाते हैं। तो आप एक बार इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कितनी जल्दी इसने आपके लिए आपके कार्य जो हैं वो संवार दिए हैं। धन्यवाद।